लरी बाइबिन का काम करने वाली नाथनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने रविवार को थाना पहुंचकर अपने मालिक सिल्क कारोबारी चंपानगर हरिजन टोला मकसूसपुर निवासी मोहम्मद फैसल के विरुद्ध 6 साल तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल साइट पर वायरल किए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दिए गए अपने आवेदन में पीड़िता ने इस बात का उल्लेख किया है कि चंपानगर मकसूसपुर निवासी मोहम्मद मोकीम अंसारी के बेटे मोहम्मद फैसल ने 6 साल तक शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और चोरी से की आपत्तिजनक तस्वीर निकालकर उसे जबरन ब्लैकमेल किया। इस दौरान कई बार कारोबारी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और जब उसकी हवस पूरी हो गई तो उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पीड़िता ने लिखा है कि जब उसने शादी का विरोध किया तो बीते शनिवार की रात आरोपी मोहम्मद फैसल, उसके भाई मोहम्मद गौशुल और मोहम्मद फैजान 1 लाख रुपया लेकर उसके घर पर पहुंच गए और मुंह बंद रखने के लिए उससे सौदा करने लगे। साथ ही बात नहीं मानने पर उक्त आपत्तिजनक फोटो को फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप के जरिए वायरल कर सरेआम दुनिया में बेइज्जती करने की धमकी दी। सभी ने उसकी गरीबी व लाचारी व लूट चुकी आबरू की कीमत 1 लाख रुपए लगाते हुए पिंड छोड़ने की धमकी भी दी, लेकिन इसका विरोध करने पर सभी ने उसके साथ गाली गलौज किया और मारपीट की। इसके अलावा पीड़िता को चेतावनी दी कि वह दूसरे जगह शादी कर ले, वहीं पुलिस में केस करने पर जान से मरवा देने की धमकी दी। इधर इस मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद जनुफुद्दीन ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। इसके साथ ही शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आरोपी पक्ष की बात भी सुनी जाएगी। इस बाबत पीड़िता ने बताया कि नाथनगर इंस्पेक्टर से उसे इंसाफ की काफी उम्मीद है। वहीं पीड़िता ने यह भी कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वे SSP का दरवाजा खटखटाएगी। मोहम्मद मुकीम कान चमटोली करने जाते थे उसके कान, अब वो हमको पिछले 7 साल से, वो फिर हम जब 13 साल का मेरा उम्र था तो फैसल हमको एक दिन छत पे ले जा कर खींच नोच करने लगा। अब बोला कि अगर तुम किसी को बोली तो तुम सोच लेना और चुपचाप से मेरे कन काम करना, अब कुछ किसी को मत बताना। हम जब उसको बोले कि हम नाबालिग हैं तो फिर वो बोली इसको जी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे तुमको। फिर हम उसको बोले, फिर हमको वो घिंच नच करने लगा, फिर मेरे साथ मेरा गलत इस्तेमाल करने लगा वो। अब फिर हम उनको जब बोलने लगे तो वो हमको बोलिस कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो फिर बोलिस वो फिर किसी और जगह शादी कर ली। जब हम उनको बोले कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोलिस हमको क्यों करते हैं, हम तुमसे शादी ना करेंगे, तुम इसमें डरती हो क्यों, ऐसे रोज मेरे साथ गलत इस्तेमाल करते तो मेरा कुछ फोटो ले लीस वो। और वो बोलीस अगर तुम ऐसा करोगी रुखसा, किसी को घर में बताओगी तो ये फोटो तुम्हारे समाज में दे देंगे, तुम्हारा इज्जत लीलाम होएगा और तुम किसी के लायक नहीं रहोगी। तो हम उसको बोले कुछ ऐसा तुम क्यों करोगे, तो वही फ़ोटो के जरिए हम उसके साथ, वो मेरे साथ गलत करता था तो हम डर से किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो हम उनको बोले कि ये बार बार करना अच्छी बात नहीं है, फिर छत पे ले जाके हमको घींच नोच करने लगा। तो अचानक से उसकी बहन हमको देख ली, हमको घर से धक्का मार के निकाल दी। अब फैसल हमको आके घर पे, हम जब रात में उठे तो फैसल हमको और फैजा तीनों भाई मिल के आया, हमको गला चाप के बोलने लगा कि अगर तुम घर में बोलोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा करेंगे, इसलिए हम घर में किसी को कुछ नहीं बताते थे डर के माने कि अगर मेरा भाई मेरे माँ बाप अगर वो कुछ कर दी तो इसका जिम्मेदारी मेरे सर पे होगा, मेरा माँ बाप तो नहीं जानता है ना, इसीलिए हम नहीं कहते थे। तो इसीलिए मेरा समाज में पूरा बेइज्जती होने लगा, इसीलिए हम उसको जब बोले कि हम आगे बढ़ेंगे तो वो बोल दी तुमको जो करना है करो, हम पैसा के दम पे सबको खरीद लेंगे, तुमको जो करना है करो, और 1.5 लाख रुपया हमको दे के बोली हम तुम्हारे साथ जो ऐसा ऐसा किए हैं उसका 1 लाख रुपया ले लो और मुंह बंद करके घर में बैठ जाओ। उसका बनहो जिया सबको आके मेरे घर पे हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुम घर किसी को बोली तो तुम्हारा लहास को कोई पता नहीं रहेगा। और इसीलिए हम सुने हैं कि नाथनगर में इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार है और बहुत समझदार है, उम्मीद है कि वो हमको इंसाफ जरूर दिलाएगा,
इसी खाई से हम उनके पास आए हैं। सनमार्ग के लिए भागलपुर के नाथनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।